Hello friends, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and today I am going to tell you about the IELTS reading module. So IELTS का जो reading test है, ये 60 minutes का test होता है, जिसमें से आपको 3 passages मिलते हैं on 40 questions. और ये 40 questions जो है, आपको solve करने हैं in 60 minutes. Now, these 40 questions you get out of 11 different times. And remember, इसके अंदर आपको 0 minute मिल रहे हैं अपने answer transfer करने के लिए, which means आपको अपने answer side by side answer sheet पे लिखने हैं. Just like listening module, आपको 10 minutes मिल रहे हैं यहाँ पे, you get no extra time for the answers. और the main thing you need to focus on in this particular test is the time frame. आपको 60 मिनट से एक सेकंड भी ऊपर नहीं मिलता है और इसके मतलब ये है कि आपको अपना टाइम जो है प्रॉपर वे में मैनेज करना है. तो फर्स्ट पैसेज है दैट यू मस्ट कंप्लीट इन 15 मिनट्स, सेकंड पैसेज इन 20 मिनट्स एंड लास्ट पैसेज इन 25 मिनट्स. अब लास्ट पैसेज को 5 मिनट्स एक्स्ट्रा देने का मीनिंग ये है कि यू हैव एक्स्ट्रा टाइम इन दैट, क्योंकि देखो इस पैसेज को आप 20 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं. जो 5 मिनट्स बच रहे हैं इन दैट यू कैन कवर अप द क्वेश्चंस जो आपके दो पैसेज में से अगर मिस हो रहे हैं तो. नाउ आई टेल यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गेट. सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज. इन दिस आपको दो टाइप्स आ सकते हैं, फर्स्ट जिसके अंदर आपको सिंगल आंसर चूज करना है एंड सेकेंड यू हैव टू चूज मल्टीपल ऑप्शंस. सेकेंड इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, थर्ड येस नो नॉट गिवन, मैचिंग द इंफॉर्मेशन, मैचिंग द हेडिंग्स. हेडिंग्स में आपको पैराग्राफ नंबरिंग दी हुई होती है ए टू जी और एनी नंबर ऑफ पैराग्राफ्स एंड यू गेट द लिस्ट ऑन बेस्ड ऑन दीज रोमन नंबर्स. सेकेंड सॉरी सिक्स्थ इज मैचिंग द फीचर्स, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, सेंटेंस कंप्लीशन. सेंटेंस कंप्लीशन जो है इट इज लाइक द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड दीज फिलिंग द ब्लैंक्स यू आर बीन एडवाइज्ड टू चूज राइट ईदर वन टू और थ्री वर्ड्स इन द ब्लैंक्स और ये सब जो इंफॉर्मेशन है विल बी रिटन इन बोल्ड बिफोर द क्वेश्चन स्टार्ट्स. द नेक्स्ट इज समरी, नोट, टेबल, फ्लो चार्ट और व्हाटएवर कंप्लीशन यू गेट. So the summary completion जो है it is more or less like filling the blanks. The only difference is कि यहाँ sentence completion में आपको particular question type का एक blank दिया गया होता है but summary एक तरह की पूरे या दो या तीन paragraph का एक crux होता है which comes in the sequence only. Tenth is the diagram labeling which is the easiest question that you can get and last is short answers. In short answers आपको question दिया गया होता है और in front of that you have to give your answer in either 2, 3 or 4 words. अब ये सब question को solve करने के लिए there is a trick to solve them and that method is skimming, scanning and reading for today. Now skimming जो है it means कि आप पूरे paragraph और passages को read कर रहे हैं जिसके अंदर you're just taking the overview of the paragraph कि उसके अंदर लिखा क्या है, what are the main points and while doing the skimming make sure you mark down all the nouns and the dates in it because these are the things जो आपको questions the answer find करने की help करेगी. Nouns are the names of the people or the places. The next step that you need to do is scan. Now scanning तब होगी अगर आपने paragraph को skim कर दिया है. Then you are going to read the question. उसके बाद आप स्कैन करेंगे कि उस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है डज इट मैच टू द कीवर्ड दैट यू हैव मार्क्ड इन द पैसेज और नॉट. वंस यू फाइंड योर वर्ड और द कीवर्ड इन द पैसेज यू नीड टू रीड दैट नोटेशन फॉर द डिटेल सो दैट योर आंसर्स व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर दैट यू फाइंड इट इन द रीडिंग. आई होप दिस होल थिंग हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द आईएलटीएस रीडिंग इज अबाउट. And in the upcoming videos, I am going to tell you how to solve each type of the question of the reading. ताकि आपके सारे doubts जो हैं reading के regarding वो clear हो जाएं. And don't forget to like the video and subscribe my channel for IELTS updates.